Good morning, today is 11th of January 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पे नेशनल एंथम से संबंधित है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 30 नवंबर 2016 के उस ऑर्डर को वापस ले लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिनेमा हॉल्स में हर एक शो से पहले नेशनल एंथम को चलाया जाना कंपलसरी है. तो इस इशू को हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद दूसरा आर्टिकल यहाँ पे H-1B वीजा से संबंधित है. क्या कंटेस्ट है? ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि हम H-1B वीजा पे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे. तो इंडिया में भी कंसर्न्स जताए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया में सर्विस सेक्टर से बहुत लोग जाते हैं यूएसए में काम करने के लिए H-1B वीजा की सहायता से. तो आर्टिकल ये कहता है कि पहले भी ट्रंप प्रशासन और इवन ओबामा प्रशासन ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम जो रेगुलेशंस हैं H-1B वीजा के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यूएसए को पता है यूएसए की इकोनॉमी में H-1B वीजा की सहायता से जो लोग काम करने के लिए आते हैं यूएसए की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए उनका एक बड़ा योगदान है. तो अभी इंडिया को बैक चैनल से ट्रंप प्रशासन से बात करनी चाहिए. खुले में कंसर्न्स व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा लेकिन ट्रंप प्रशासन के लिए इस प्रकार के रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट बनाना आसान नहीं है. तो ये आर्टिकल है. उसके बाद में बीच में ये आर्टिकल रूरल डिस्ट्रेस से संबंधित है. रूरल डिस्ट्रेस की एक बड़ी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्लो होना. कैसे? डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे. नीचे का ये आर्टिकल अडल्ट्री से संबंधित है. आईपीसी सेक्शन 497 इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है. जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अडल्ट्री के आईपीसी 497 के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नया पॉइंट कुछ भी नहीं है. उसके बाद दूसरे पेज पे ये आर्टिकल नेशनल मेडिकल कमीशन से संबंधित है. वैसे तो हमने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को डिस्कस किया है लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में. यहां पे ये आर्टिकल म्यांमार से संबंधित है. डायरेक्टली सिलेबस से लिंक नहीं होता ये टॉपिक लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे म्यांमार में क्या चल रहा है. उसके बाद नीचे ये आर्टिकल यहां पे रिजर्वेशन से संबंधित है. रिजर्वेशन के लिए डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं वो क्यों मांग कर रही है रिजर्वेशन के लिए. डिफरेंट कम्युनिटीज मूवमेंट हमें क्यों देखने को मिल रही है, तो रीजंस हम जानेंगे इस आर्टिकल से. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम नेशनल एंथम से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के टॉपिक्स में कवर होगा ये आर्टिकल. क्या कंटेक्स्ट है? 30 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि सिनेमा हॉल्स में हर एक शो से पहले राष्ट्रगान को चलाना जरूरी है. उसके बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट को. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप अपने उस 30 नवंबर 2016 के ऑर्डर को वापस ले लीजिए क्योंकि हम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में जरूरी बदलाव करेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस 30 नवंबर 2016 के ऑर्डर को वापस ले लिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 12 सदस्यीय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है ताकि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में जरूरी बदलाव लाए जा सकें. अभी देखो काफी सारी एम्बिग्विटीज हैं कि नेशनल एंथम को कहां पे चलाना चाहिए, कहां पे नहीं चलाना चाहिए और क्या नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट होगा. तो उन सभी बातों पे क्लैरिटी लाई जाएगी इस कमेटी के द्वारा. रिकमेंडेशंस 6 महीनों के अंदर अंदर देगी ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी. आर्टिकल मेनली सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को क्रिटिसाइज करता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल्स में हर एक शो से पहले नेशनल एंथम को कंपलसरी बना दिया था. आर्टिकल सबसे पहले कहता है ये जुडिशियल ओवररीच था. जुडिशरी का काम ये है कि ये देखना लेजिस्लेचर्स के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो ठीक है या गलत है, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ बनाए गए हैं और एसेंस ठीक है या गलत है. उसके बाद अगर जुडिशरी को ये लगता है कि लेजिस्लेचर्स ने कोई कानून बनाया है वो सही नहीं है तो लाल झंडा जुडिशरी दिखा सकती है. लेकिन खुद से ही कानून बनाना, खुद से ही गाइडलाइंस इस प्रकार से देना, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट में था. उसके बाद मॉरल पुलिसिंग. देखो जिस प्रकार से गोरक्षा को रोकने के लिए निगरानी ग्रुप्स होते हैं उसी प्रकार से ये देखने के लिए कि नेशनल एंथम के दौरान कौन खड़ा हुआ है कौन नहीं हुआ है निगरानी ग्रुप्स बन गए तो मारपीट स्टार्ट हो गई. तो देखो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सही नहीं है कि कुछ पर्संस नेशनल एंथम के नाम पे कानून अपने हाथ में ले दूसरे लोगों के साथ मारपीट करें. तो मॉरल पुलिसिंग स्टार्ट हो गई थी जो कि अपने आप में काफी गलत था. तीसरा इशू है वाई सिंगल आउट सिनेमा हॉल्स. अगर देखो नेशनल एंथम से पेट्रियटिज्म आता है तो सिर्फ सिनेमा हॉल्स में क्यों चलाया जाए, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों नहीं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में क्यों नहीं, दूसरी जगह पे क्यों नहीं. अगर चलाना ही है तो हर जगह चलाओ ना, सिर्फ सिनेमा हॉल्स को आप सिंगल आउट क्यों कर रहे हो. तो ये तीसरा इशू है. अगला पॉइंट है पेट्रियटिज्म और नीचे का पॉइंट डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. दोनों पॉइंट्स को आप एक ही कंटेक्स्ट में रख के देखिए. देखो जब भी हमारे देश में इलेक्शन होता है तो वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहता है. क्यों? क्योंकि जनता का विश्वास है गवर्नमेंट में, सरकार में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तभी तो वो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो कुछ विश्वास सरकार को भी दिखाना चाहिए जनता में. जनता में पेट्रियटिज्म है, आप जनता के पेट्रियटिज्म को मत परखो.
आप बार बार जनता को इस प्रकार से नहीं कह सकते कि आप अपना पेट्रियोटिज्म पहन के चलिए। इवन कुछ ग्रुप्स तो ये भी मांग करने लगे हैं कि नेशनल एंथम के दौरान किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, किस प्रकार के नहीं पहनने चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट में है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर में पॉइंट आता है एग्जीक्यूटिव ड्यूटी का। एग्जीक्यूटिव्स का काम है मॉरल पुलिसिंग को रोकना। हमारे देश में अगर कोई पर्सन या ग्रुप दूसरे पर्सन के साथ नेशनल ओनर्स के नाम पे मारपीट करता है, वायलेंस करता है, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट में है। एग्जीक्यूटिव्स का काम है देश में सभी सिटीजन्स को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तभी तो लेजिटिमेसी बढ़ेगी, तभी तो जनता का सरकार में, देश में विश्वास बढ़ेगा। अगर लैंड ऑर्डर की समस्या इसी प्रकार से क्रिएट होती रहेगी तो जनता का जो विश्वास है सरकार में वो खत्म हो जाएगा, पेट्रियोटिज्म बल्कि इन सब चीजों से कम होता है। तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल एंथम के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल नेशनल मेडिकल कमीशन से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल। क्या कंटेक्स्ट है? अभी देखो हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मेडिकल एजुकेशन में आपने देखा होगा मेडिकल सीट्स को बेचा और खरीदा जाता है, डोनेशन दिया जाता है मेडिकल सीट्स के लिए, बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को जो रेगुलेट करती है बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो ना तो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पा रही है और ना ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पा रही है। काफ़ी सारा करप्शन है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। मेडिकल एजुकेशन का सिलेबस काफ़ी पुराना हो गया है, इसीलिए जो स्टूडेंट्स MBBS की डिग्री हासिल करते हैं तो MBBS बनने के बाद वो सिंपल ऑपरेशन को भी परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि सिलेबस काफ़ी पुराना हो गया है। तो वो MBBS ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स की डिग्री हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए सीट्स बहुत कम है हमारे देश में, तो इसमें भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो ऑलरेडी बहुत कम हैं और कम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में सुधार लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि एक नई बॉडी ही बना दी जाए, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपना काम ठीक से परफॉर्म कर नहीं पा रही है, अनएथिकल डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो इस पूरी बॉडी को ही रिप्लेस करके एक नई बॉडी बना दी जाए, नेशनल मेडिकल कमीशन। 25 सदस्य होंगे नेशनल मेडिकल कमीशन में। अभी देखो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ को एडवाइस देना हो या फिर अनएथिकल डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करना हो, जो कि वो करते नहीं हैं, लेकिन पावर उनके पास है। लेकिन सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, जिसकी सहायता से सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन बनाना चाहती है, उस बिल में ये प्रावधान रखा है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए अलग से बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए अलग से बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग के लिए अलग से बोर्ड, एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से बोर्ड। तो हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग से बोर्ड बनाया जाएगा ताकि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और करप्शन कम से कम हो जाएं। अभी लेकिन देखो ये बिल जो है इस पर काफ़ी विरोध हुआ। जो डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस या फिर दूसरे राज्यों के एसोसिएशन, उन्होंने विरोध किया इस बिल का। तो अभी इस बिल को पार्लियामेंट की लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। मेनली आर्टिकल में चार इश्यूज को कवर किया जा रहा है। सबसे पहले आर्टिकल कहता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जो सदस्य थे उनके इलेक्शंस में काफ़ी सारी धांधलेबाजी होती थी। अच्छे डॉक्टर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बनते नहीं थे और री इलेक्शन पर कोई बार नहीं था, सेम ही सदस्य बार बार री इलेक्ट हो जाते थे। तो सेम सदस्य काफ़ी सालों से करप्शन करते आ रहे थे, इसी वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन होता था। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है, अब देखो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के अंदर सरकार ने प्रोविजंस किए हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मेंबर्स को हम अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल इस बात को क्रिटिसाइज करता है। आर्टिकल कहता है इससे तो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं सरकार के उनके पास पावर्स आ जाएगी नेशनल मेडिकल कमीशन में मेंबर्स को अपॉइंट करने की, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करप्शन होता था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। क्या रीइलेक्शन पे बार नहीं था, सेम मेंबर्स बार बार रिलेक्ट हो जाते थे। तो अभी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के अंतर्गत उस प्रोविजन को भी नहीं हटाया गया है, यानी मेंबर्स के रीइलेक्शन पे बार नहीं है। इसका मतलब जिस चीज की वजह से करप्शन होता था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, सेम मेंबर्स का बार बार रिलेक्ट होना, वो चीज तो आपने ठीक की नहीं। नेशनल मेडिकल कमीशन में भी सेम मेंबर्स बार बार रिलेक्ट हो सकते हैं, करप्शन वहां भी होगा। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, खास करके रूरल इलाकों में। WHO के नॉर्म्स के हिसाब से 1000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में 1700 लोगों के लिए एक डॉक्टर है।
और रूरल इलाकों में तो बहुत ज्यादा कमी है डॉक्टर्स की। देखो हम इंतजार नहीं कह सकते, हम जनता को ये नहीं कह सकते कि आप वेट कीजिए 10 साल रुकिए आप, हम अभी डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे फिर आपका इलाज होगा। और ना ही हम वेट कर सकते कि कब रूरल इलाके अर्बनाइज होंगे और कब रूरल इलाकों में अर्बन एमिनिटीज मिलेंगी, और जो सुविधाएं अभी अर्बन सिटीज में, जो हेल्थ केयर अभी अर्बन सिटीज में मिलता है वही हेल्थ केयर रूरल सिटीज में मिलेगा। हम इन चीजों के लिए वेट नहीं कर सकते, हेल्थ देश की पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन एक ये है, चौथा पॉइंट, ट्रेनिंग नॉन डॉक्टर्स। नॉन डॉक्टर्स में वो लोग आते हैं जिनके पास ऑफिशियली एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, जैसे या तो झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं गांव में उनको एक बेसिक कोर्स करवाया जाए उनसे, या फिर ग्रेजुएशन के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा हो। इस प्रकार से अगर नॉन डॉक्टर्स को आप ट्रेनिंग दोगे तो जो गैप्स हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्हें दूर किया जा सकता है। सब सहारन कंट्रीज में ये बात प्रूव हो गई है, सब सहारन कंट्रीज में नॉन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई, तो वहां पे जो बेसिक चीजें हैं जैसे चेस्ट पेन, रिस्पायरेटरी डिजीज, डायरिया, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कमी आई है और अच्छे से इनका इलाज हो सका है। इवन वेस्ट बंगाल में भी इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया था, नॉन फॉर्मल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को 9 महीने का कोर्स करवाया गया था, वहां पे भी इस प्रकार के इंडिकेटर्स में सुधार देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में देखो इस प्रकार का एग्जाम्पल हुआ था लेकिन वो सही नहीं हो उसका, क्योंकि डॉक्टर्स की जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने विरोध किया और इंप्लीमेंटेशन में कमी थी। लेकिन जो ये आइडिया है कि नॉन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए, ये आइडिया बिल्कुल सही है। इवन रेड क्रॉस जैसी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस आइडिया का समर्थन करती हैं। वो कहती हैं कि जहां पे डॉक्टर्स नहीं है एटलीस्ट नॉन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए तो कुछ तो फायदा होगा, समझ गए। तो लास्ट में कंक्लूजन में देखो एक बात बोली जाती है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे देश में आई थी 1956 में, 60 साल तक यही बॉडी चलती रही। यानी मेडिकल एजुकेशन हो या फिर मेडिकल केयर हो, इन दोनों चीजों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने काम किया 60 सालों तक। तो अभी सरकार जो नया मैकेनिज्म क्रिएट करने जा रही है वो भी कई दशकों तक चलता रहेगा। तो सरकार को ये चाहिए कि किसी प्रकार की गलती सरकार ना करे इस बिल में, और जो भी प्रोविजंस हैं इस बिल के उसमें सुधार लाएं और ये इंश्योर करे कि ये बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाए पार्लियामेंट से, सभी स्टेक होल्डर्स का समर्थन चाहे लेना पड़े। तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल मेडिकल कमीशन से संबंधित। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल म्यांमार के बारे में है। डायरेक्टली वैसे सिलेबस से लिंक नहीं होता ये टॉपिक, लेकिन म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर टच होता है, पड़ोसी देश है, तो म्यांमार के अंदर अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका असर इंडिया को पे भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है। मेनली 3 इश्यूज हैं इस आर्टिकल में। सबसे पहले है प्रेस फ्रीडम। म्यांमार में देखो प्रेस को दबाया जा रहा है, राइटर कहते हैं कि प्रेस को बिल्कुल भी आजादी नहीं है वहां पे। बहुत सारे जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ डोमेस्टिक जर्नलिस्ट को और कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट को भी। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कॉलोनियल इरा का हमारे देश में है वही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट म्यांमार में भी है, क्योंकि आपको पता ही होगा 1935 से पहले ब्रिटिशर्स म्यांमार, उस समय बर्मा और इंडिया को एक साथ गवर्न करते थे एक ही एक्ट से। तो इसीलिए कुछ जो कानून है कॉलोनियल इरा के वो हमारे देश में भी है और सेम कानून म्यांमार में भी है। इसी एक्ट का यूज करके म्यांमार की सरकार प्रेस फ्रीडम को वहां पे दबा रही है। उसके बाद इश्यू आता है रोहिंग्यास का। देखो अब काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में आ रही हैं किस प्रकार से म्यांमार की मिलिट्री ने वहां पे रोहिंग्यास पे अत्याचार किए। यूएसए ने इसे एथनिक क्लींजिंग कहा और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा, लेकिन म्यांमार की मिलिट्री ये कहती है हम सिर्फ रोहिंग्यास के जो आतंकवादी ग्रुप हैं जैसे अराकान रोहिंग्यास सेल्वेशन आर्मी उन पर कार्रवाई कर रहे थे। तो अभी जो प्रेशर है म्यांमार की सरकार पे और भी ज्यादा बढ़ेगा कि रोहिंग्यास को अच्छे से रिहैबिलिटेट किया जाए और उनको राइट्स दिए जाएं। म्यांमार का समझौता भी हुआ था बांग्लादेश के साथ कि रोहिंग्यास को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। तो देखना यह होगा कि 2018 में उस समझौते पे क्या प्रोग्रेस होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है पीस प्रोसेस का। देखो म्यांमार में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स ऐसे हैं जो अलग से देश की मांग कर रहे थे काफी समय से कि म्यांमार से अलग होकर अलग से देश बनाया जाए। तो अब म्यांमार की सरकार की एक प्रोसेस चल रही है उन एथनिक ग्रुप्स के साथ। प्रोसेस का नाम है पैंगलोंग प्रोसेस। इस पैंगलोंग प्रोसेस में म्यांमार की जो सरकार है वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बातचीत कर रही है पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, एथनिक ग्रुप्स को ऑटोनमी देने के लिए। हालांकि सारे एथनिक ग्रुप्स से बातचीत नहीं कर रहे हैं म्यांमार की सरकार से, लेकिन काफी कर रहे हैं। आर्टिकल ये कहता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पे अभी भी सहमति है पैंगलोंग प्रोसेस में। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के साथ म्यांमार की सरकार सहमति नहीं बना रही है। जैसे एक इशू ये है, म्यांमार की सरकार ये कहती है कि यूनिफाइड आर्मी होनी चाहिए पूरे देश के लिए, जबकि एथनिक ग्रुप्स ये कहते हैं कि हमें आप अपनी आर्मी बनाने की इजाजत दीजिए। तो इस बात पे असहमति है। इसके अलावा
म्यांमार की सरकार ये तो कहती है कि डिफरेंट रीजन अपना अपना अलग से संविधान बना सकते हैं, लेकिन किसी एथनिक ग्रुप को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी, जबकि कुछ एथनिक ग्रुप्स अपने लिए स्पेशल प्रिविलेजेस की मांग कर रहे हैं। लास्ट में सेम पॉइंट आता है कि देखो 20 आर्म्ड ग्रुप्स में से सिर्फ 8 जो ग्रुप्स हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पैंगलोंग पीस प्रोसेस में। तो देखना यह होगा कि बाकी जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनका स्टैंड क्या होगा। तो ये सब इश्यूज म्यांमार से संबंधित थे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल रिजर्वेशन से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल। हमारे देश में काफी सारे स्टेट्स में काफी सारे रीजन्स में मूवमेंट्स चल रही हैं। कुछ कम्युनिटीज मांग करती हैं कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए और कुछ कम्युनिटीज ये भी मांग करती हैं रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। तो राइटर यहां पे ये कहते हैं मूवमेंट्स तो चल रही हैं लेकिन रीजंस क्या हैं उनके पीछे, हमें रीजंस की तरफ जाना होगा। मूवमेंट्स सिर्फ सिम्टम्स हैं लेकिन रूट कारण क्या है इन मूवमेंट्स के पीछे। सबसे पहला रूट रीजन है जॉब्स। देखो हमारे देश में कॉलेजेस की संख्या बड़ी है और यूथ ने एजुकेशन भी हासिल की है, लेकिन जाए कहां? एजुकेशन हासिल करके डिग्री हासिल करने से क्या अगर जॉब नहीं मिलेगी? हमारे देश में सरकार ने इनफ जॉब्स का प्रोविजन नहीं किया है यूथ के लिए, तो इसीलिए रिजर्वेशन के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। अगला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर सेक्टर का। हमारे देश में पिछले काफी समय से एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस है, तो किसानों को यह लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे कुछ संभावनाएं नहीं है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सेटल डाउन नहीं हो सकते। इसीलिए फार्मिंग कम्युनिटीज में जो रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट्स हैं वो ज्यादा देखने को मिल रही हैं। दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है वेल क्वालिफाइड ट्रेनर्स का। तीसरे और चौथे पॉइंट को एक कंटेक्स्ट में आप देखिए। देखो हमारे देश में अब डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, अगर अच्छे से हम उनको ट्रेनिंग दे पाते। अभी सरकार चेती है, इतने सारे सरकार ने प्रोग्राम्स चलाए हैं स्किल इंडिया या फिर दूसरे प्रोग्राम्स चलाए हैं स्किल्स देने के लिए। ये सब जो प्रोग्राम है ना 2000 के आसपास चलने चाहिए थे, 20 साल पहले ये प्रोग्राम चलने चाहिए थे, लेकिन सरकार काफी लेट जागी है और अभी भी जब जाग गई है तो अच्छे क्वालिफाइड ट्रेनर्स की हमारे देश में बहुत ज्यादा कमी है। सोच के देखिए आप एक बात, मनरेगा में सरकार एम्प्लॉयमेंट देती है मजदूरों को, उन मजदूरों को अगर प्रॉपर ढंग से स्किल्स दी जाएं, ट्रेनिंग दी जाएं, तो हमारा देश कितना आगे बढ़ सकता है। लेकिन अफसोस यह है कि अभी भी स्किल्स के जो प्रोग्राम हैं जितने तेजी से बढ़ने चाहिए, जितने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से आगे जाने चाहिए, उस एफिशिएंसी से आगे नहीं जा पा रहे हैं। अगर सरकार हमारे देश में जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है उनको अच्छे से यूज नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार की रिजर्वेशन के लिए जो मूवमेंट्स हैं वो आगे भी चलती रहेंगी, एक डिजास्टर की तरफ हमारा देश चला जाएगा। तो सरकार को अभी सीरियस होने की आवश्यकता है कि स्किल्स प्रोग्राम को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल रूरल डिस्ट्रेस से संबंधित है। जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था, कास्ट बेस्ड ये सेंसस था बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों का पता लगाने के लिए। 7 डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स का यूज किया गया था इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। इस प्रकार से हैं ये 7 इंडिकेटर्स। सबसे पहले वो हाउसहोल्ड्स जिनके पास सिर्फ एक कमरा हो और दीवारें भी कच्ची हो, छत कच्ची हो। उसके बाद वो हाउसहोल्ड्स जहां पे 16 से 59 साल की उम्र में कोई भी एडल्ट मेंबर ना हो। इस प्रकार से ये 7 डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लिए। सारे आपको याद रखने की या फिर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल का मेन फोकस ये 7 इंडिकेटर्स नहीं है। आर्टिकल का मेन फोकस है सबसे लास्ट वाला पॉइंट, लैंडलेस हाउसहोल्ड्स डराइविंग द मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम द मैनुअल कैजुअल लेबर। यानी वो हाउसहोल्ड्स जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं है उनके पास में, और वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, तो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं और इसी वजह से रूरल डिस्ट्रेस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि देखो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं, 2007 के आसपास कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो था वो काफी ज्यादा बूम कर रहा था। इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके पास अपना लैंड तो है नहीं, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं या फिर किसी दूसरी जगह उनको जॉब मिल जाए वहां पर काम करते हैं। तो 2007 के आसपास तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज्यादा बूम कर रहा था, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया इस कैटेगरी के लोगों को, वहां पर जॉब मिल गई। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो स्लो कर रहा है, इसीलिए इस सेक्टर में जॉब्स नहीं है अभी। तो वो लोग जिनके पास लैंड नहीं है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी वो काम नहीं कर सकते, उनके पास स्किल भी नहीं है, तो उनको अभी जॉब्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, वो मनरेगा की सहायता से बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो इसलिए रूरल इकोनॉमी में डिमांड नहीं है और इसी वजह से रूरल इकोनॉमी में डिस्ट्रेस है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का स्लो होना। अभी देखो जिन किसानों के पास थोड़ा बहुत लैंड है
वो भी धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। 1970 में जो एवरेज लैंड होल्डिंग थी वो 2.5 हेक्टेयर के आसपास थी और 2011 में जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 1.25 हेक्टेयर के आसपास है। मतलब साफ है, जिस प्रकार से जनरेशन आगे बढ़ रही हैं, लैंड का फ्रेगमेंटेशन और भी ज्यादा हो रहा है, यानी सातवीं जो डेप्रिवेशन इंडिकेटर में और भी ज्यादा लोग आएंगे। और इवन देखो, जो सातवीं कैटेगरी में जो लोग आते हैं, यानी सातवें डेप्रिवेशन के इंडिकेटर में जो लोग आते हैं रूरल एरियाज में, अगर वो किसी दूसरे डेप्रिवेशन इंडिकेटर से गुजर रहे हो तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। मतलब ऐसा हाउसहोल्ड जिसके पास लैंड नहीं है या फिर और वो मैनुअल लेबर करके दूसरे के खेतों में काम करके या फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करके अपना गुजारा करते हैं, अगर उस परिवार में से कोई डिसेबल है या फिर उस परिवार में कोई एडल्ट मेल नहीं है 16 से 59 साल की उम्र में, यानी दूसरे डेप्रिवेशन कोई ना कोई एक दूसरा डेप्रिवेशन इंडिकेटर भी है, तो सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो अभी सरकार को क्या चाहिए? सरकार को यह चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाओ, ताकि 2007 में जिस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही थी उस समय सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रही थी, तो अभी जो आप बजट पेश करोगे 1 फरवरी में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को आप और ज्यादा बढ़ा दो, ताकि वो लोग जो दूसरों को खेतों में जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, कम से कम इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो उन लोगों को जॉब मिल जाएगी, तो रूरल डिस्ट्रेस कम से कम थोड़ा बहुत तो कम होगा जब तक उन लोगों को स्किल्स नहीं दी जा सकती। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल है रूरल डिस्ट्रेस के बारे में। क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल डिस्ट्रेस? व्हाट आर द कॉजेज एंड कंसीक्वेंसेस? हाउ कैन गवर्नमेंट एड्रेस दिस डिस्ट्रेस? डिस्कस। देखो, रूरल डिस्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस तो किया, लेकिन हमने इस आर्टिकल में सिर्फ एक एस्पेक्ट को डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी गिरावट आई है, इस वजह से जॉब्स ज्यादा पैदा नहीं हो रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और रूरल डिस्ट्रेस है, लेकिन और भी काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं, तो आप उन एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन के आंसर में। इसके बाद ऐसे का कोट है, व्हेन द पंचायती राज इज एस्टैब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। महात्मा गांधी ने यह बात कही थी। जब भी देखो आपको पंचायती राज के बारे में लिखना हो तो महात्मा गांधी के इस कोट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पंचायती राज जब इस्टैब्लिश होता है या फिर पंचायती राज को एम्पावर किया जाता है तो लोगों को लगेगा कि डायरेक्टली जो पावर है वो हमारे पास है, तो वो सब चीज़ें की जा सकती हैं जो वायलेंस जिन चीज़ों को नहीं कर सकता। तो अच्छा कोट है, इस्तेमाल आप कर सकते हो। हमारी डिस्कशन ये थी, बाकी के दो क्वेश्चंस जो हैं वो वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा। देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया नेशनल एंथम के इशू को, उसके बाद हमने डिस्कस किया नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के बारे में, और म्यांमार के बारे में हमने डिस्कस किया। तीन इश्यूज हैं मेनली म्यांमार में, प्रेस फ्रीडम, रोहिंग्यास इशू और तीसरे नंबर पे पैंगलोंग प्रोसेस। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट्स क्यों चल रही हैं, और सबसे लास्ट में हमने रूरल डिस्ट्रेस के बारे में जाना। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।